मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। एक ऐसी भी ओसीडी होती है जिसमें सामान को बार बार रखना होता है। एक बार सामान रख दिया, उसे दो बार तीन बार ठरका ठरका के रखना होता है। तो ये भी टाइप ऑफ ओसीडी है। तो इस समस्या से जूझे थे करण जी, अब ये ठीक हो चुके हैं। ये बताएंगे कि पहले कैसे सामान रखते थे, अब सही हो गए हैं तो अब कैसे सामान रखेंगे। तो करण जी बताइए कि पहले कैसे सामान आप रखते थे। पहले सामान डर के रखते थे। हाँ, कैसे? ढंग से रखेगा कि नहीं रखेगा। हाँ, ये गमला है जैसे, रख के दिखाइए। कोई भी गंजी है, गमला है, जो भी ढंग से रखा है नहीं रखा। रख के दिखाइए, पहले ऐसे रखते थे? पहले ऐसे डर डर के रखते। अच्छा, डर डर के। अब ऐसे खुला रखते। हाँ, तो पहले डर डर के रखते थे। और क्या क्या सामान डर डर के रखते थे? यही कोई मांसा है, चारपाई है। चारपाई ये रख के दिखाइए। पहले कैसे रखते थे और अब रख के दिखाइए। हाँ, पहले कैसे रखते थे? पहले पहले ऐसे, अब तो एकदम क्लियर रखा है। पहले पहले कोई दूसरी चीज के अंदर, उसके अंदर ध्यान पूरा नहीं, वैसे ही रख देते थे। ऐसा होता था कि ढंग से नहीं रखा। अच्छा अच्छा, ढंग से नहीं रखा। तो फिर दोबारा रखते? दोबारा नहीं रखता मैं, दोबारा कभी नहीं रखा। अच्छा अच्छा, दोबारा कभी ये विचार ही आता था? विचार ही आता है। ठीक है ठीक, तो अब विचार आया? नहीं, अभी कुछ नहीं है। चलो, अब रिकवर हो गए, ये बहुत बढ़िया। अब इसको अच्छी तरह से मस्ती से एक बार बढ़िया से आपने काम करना है, और काम में ध्यान रखना है। बस ध्यान पूरा काम के अंदर, काम के, बस यही महामंत्र है आपका ठीक होने का। यही महामंत्र जी। तो मानो तो मौज है, वरना समस्या हर रोज।